हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड टेंथ क्लास में आज का अपना जो वीडियो है वो है प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रक्तदान की प्रक्रिया। टॉपिक है प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रक्तदान की प्रक्रिया। इसके बारे में अपन ने पिछली वीडियो में बताया था कि ब्लड ग्रुप में हमें चार प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी ओ, और इसके अलावा भी एक अलग एंटीजन पाया जाता है आर एस फैक्टर। तो ये इन तत्वों के बारे में अपन ने इन एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में पिछली क्लास में पढ़ लिया, और आज जो अपना टॉपिक है वो है रक्तदान की प्रक्रिया कि ब्लड को किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाए। कि यदि किसी कारण से व्यक्ति में, अब अपन ये भी पढ़ लिया कि कब व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उसके चोट लग जाती है, या उसके इस प्रकार के कोई जेनेटिक्स हेमोफीलिया वगैरह रोग है, या फिर उसमें कई बार है जो बड़े ऑपरेशन होते हैं उस समय रक्तदान की आवश्यकता व्यक्ति को होती है। तो रक्तदान की प्रक्रिया एक वैज्ञानिक साइंटिफिक प्रोसेस है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका ऐसा नहीं कोई असाधारण व्यक्ति एक व्यक्ति से खून निकाला दूसरे में चढ़ा दिया। तो इसको एक साइंटिफिक प्रोसेस है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। पहले तो व्यक्ति का रुधिर इकट्ठा किया जाए, मतलब दूसरे व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति है जो खून दे रहा, दाता जिसको बोलते हैं, खून देने वाला, जिसका खून पहले तो इकट्ठा किया जाता है, फिर उसका खून दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाए। चढ़ाते समय और निकालते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए उसको अपने देख रहे हैं। और इसमें पहला स्टेप है रक्त संग्रहण, ब्लड कलेक्शन। नंबर पहला स्टेप है रक्त संग्रहण। रुधिर का संग्रह कैसे किया जाता है, इस तरह से रुधिर को इकट्ठा करें, तो इसके लिए अपन कुछ स्टेप लिख रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट। रक्त का संग्रह प्रक्रिया से रक्तदाता के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। रक्त संग्रह से पूर्व दाता जो देता है, दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। तो जो खून देने वाला है, दाता जो है उसका स्वास्थ्य तो सही है, यदि ऑलरेडी वो देने खून देने वाला बीमार, यदि उसमें कोई तो हो सकता है ब्लड से कम, जैसे हेडस है, हीमोफीलिया है, और ऑलरेडी कोई और कोई रोग है उसमें यदि उपस्थित है तो उसका खून नहीं लिया जाता। तो सबसे पहले रक्त संग्रहण से पूर्व, रक्त लेने से पूर्व दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है, देने वाले का खून या उसकी कई सारी जांच की जाती है। परीक्षण के पश्चात स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात जैसे ही डॉक्टर है उसके स्वास्थ्य का परीक्षण कर लेता है, तो परीक्षण के पश्चात उपयुक्त क्षमता वाले प्रदेश में खून निकालने वाली नली है, उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी के माध्यम से निर्जलीकृत थैलियों में निर्जलीकृत थक्का रोधि थैलियों में रुधिर का संग्रह किया जाता है।
एक विशेष प्रकार की जो थैलियाँ होती हैं उन थैलियों में एक विशेष क्षमता वाली प्रवेशनी निडल होती है, निडल को जो अपनी ये नलिकाएं होती हैं सिरा और धमनी, इसे सिरा में उस निडल को लगा दिया जाता है और धीरे धीरे वो निर्मित थक्का रोधी इस प्रकार की कि उसमें ब्लड का थक्का लग जाए, वायु बाहर की हवा न लगे, यदि बाहर की हवा लग जाती है तो उसमें थक्का जमा मिला सुनने लग जाएगा, तो उसको विशेष निर्जमीकृत थक्का रोधी थैलियों में रोधित संग्रह किया जाता है। संग्रह करके एक प्रकार की जांच संग्रहित रक्त की कई प्रकार की जांच जैसे अब भाई जैसे हम संक्रमित का जो संग्रह करते हैं उसमें कई प्रकार की उसमें जांच की जाती है, आर एस फिल्टर, हेपेटाइटिस, एंडस, हेपेटाइटिस दो प्रकार का होता है ए और बी, अब हेपेटाइटिस सी, HIV आदि जांच की जाती है। भाई जैसे अपन ब्लड का एक्सपेरिमेंट करें तो उससे पहले आर एच फैक्टर की ये भी बता रहे हैं रुधिर पर पाए जाने वाला एंटीजन है आरबीसी, तो हेपेटाइटिस, आर एडस आदि इन रोगों की जांच उसमें की जाती है रुधिर इकट्ठा करने से पहले, तो इसमें क्या होता है और संग्रह करके प्रसिद्ध भंडारण किया जाता है कोल्ड स्टोरेज। संग्रहित रक्त का प्रेसी कीट भंडारण प्रसिद्धित भंडारण होता है कोल्ड स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, तो फिर उसका जैसे की जांच कर ली थैली में इकट्ठा कर लिया, उसके बाद उसका स्टोरेज कर लेते हैं। स्टोरेज कहाँ किया जाता है? ब्लड बैंकों में, ब्लड बैंक होती हैं और ब्लड बैंकों में इसका कोल्ड स्टोरेज किया जाता है जिसको लगभग 30 दिनों तक स्टोर करके रखा जाता है और उसमें विशेष प्रकार के प्रसिद्धित भंडार शीतग्रहित भंडार होते हैं जहाँ पर उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। रक्तदान संग्रहण के पश्चात अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है रक्तदान करने के बाद दाता को चिकित्सक या डॉक्टर की निगरानी में रखा जाता है। फिर डॉक्टर को जैसे जो खून देने वाला होता है दाता जो व्यक्ति है उसको डॉक्टर की निगरानी में रखा जाता है ताकि उसके शरीर में रक्तदान कारण होने वाली प्रक्रियाओं का रिसर्च की जा सके। जैसे कई बार जो खून देता है खून देने वाले देते समय चक्कर आने लगते हैं और कोई प्रकार की एक्टिविटी जिसमें होती है तो उसको डॉक्टर सही समय से उपचार उसका कर सकें। अब इसमें क्या होता है जो देता है तो जिसके शरीर से ब्लड निकलता है उसमें लगभग दो से तीन दिन में तो
प्लाज्मा की पुनर्पूर्ति हो जाती है, प्लाज्मा की पुनर्पूर्ति हो जाती है और लगभग 36 दिन में रक्त कोशिकाएं परिसंचरण प्रणाली में प्रतिस्थापित हो जाती है। जो ब्लड सेल्स होती हैं वो परिसंचरण प्रणाली में एडजस्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से ब्लड पहले संग्रहित किया जाता है ब्लड का, और उसके बाद उसको, अब ये तो है रक्त का स्टोरेज कि रक्त का संग्रहण अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, और अब जो आए वो है कि ब्लड चढ़ाया कैसे जाएगा व्यक्ति को, या तो आपकी स्वस्थ व्यक्ति से खून लेने के बाद क्या क्या प्रोसीजर है, खून का भंडारण अपन किस तरह से करते हैं, और अब है कि खून को चढ़ाया कैसे जाएगा व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति में ब्लड का ट्रांसमिशन कैसे किया जाए, ये तो फर्स्ट स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप है कि किस प्रकार से रक्त का दूसरे व्यक्ति में आधान की यात्रा का सृजन, सेकेंड स्टेप है आधान, जब बोलते थे रक्ताधान, ट्रांस सृजन कि संग्रहित रक्त को अब दूसरे रोगी व्यक्ति है उसमें किस प्रकार से चढ़ाया जाए, आधान से पूर्व चढ़ाने से पूर्व, आधान से पूर्व रोगी व्यक्ति के रुधिर समूह, ब्लड ग्रुप बोलते हैं जो ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है कि उसका रोगी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी ओ या ए बी, और कौन सा उसका ब्लड ग्रुप है, सबसे पहले तो उसके ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है और इसके पश्चात ही आधान संपादित किया जाता है। दूसरा है कि संग्रहित रक्त को जो स्टोरेज लगता है, संग्रहित रक्त को आधान से चढ़ाने से 30 मिनट पूर्व ही शीत भंडार गृह से निकालना चाहिए। भाई जैसे अपन ने दान खून दिया उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखा जाता है सुरक्षित रखने के लिए, तो उसमें क्या होता है खून चढ़ाने से केवल आधा घंटा पहले उस खून को बाहर लाना चाहिए, यानी कई घंटे पहले जाके भैया अपने ऐसे खून निकाला जाए तो बेजार चढ़ा देंगे, इस तरह से नहीं होता कि वहां से जो खून है वो केवल कोल्ड स्टोरेज से आधा घंटा पहले 30 मिनट पहले ही वहां से निकलना चाहिए, अन्यथा उसमें संक्रमण की ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। रक्त केवल अंतःस्रावी रूप से दिया जाता है, रक्त केवल अंतःस्रावात्मक रूप से दिया जाता है, इसका मतलब है कि खून को सिरा जो दोनों लिए सिरा और धमनी, सिरा के माध्यम से उसको खून चढ़ाया जाता है। यह प्रक्रिया करीब 4 घंटों तक चलने वाली प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया लगभग 4 घंटों तक
चलने वाली प्रक्रिया है, यानी इसको बहुत जल्दी से धीरे धीरे बूंद बूंद करके उसको अंतःस्रावक स्रा के अंदर उस पिंडल को लगा के धीरे धीरे उसको खून में खून मिलता हुआ धीरे धीरे व्यक्ति में सर्कुलेट हो जाए। तो इस प्रकार से ये 4 घंटे तक चलने वाली प्रोसीजर है। और इसके बाद रोगी में आधार संबंधी जैसे खून चढ़ाया जाए तो चढ़ाने के बाद उसमें कुछ रोगी में आधान जैसे ट्रांसफ्यूजन किया खून चढ़ाया तो रोगी में आधान संबंधी प्रक्रिया जैसे ज्वर ठंड खून चढ़ा जाता है कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं इनका ध्यान रखा जाता है। यदि इसमें ज्वर है ठंड है ठंड उसको लगने लगती है दर्द है यदि ये प्रक्रियाएं होती हैं तो इनसे संबंधित डॉक्टर जो है उनको क्या कर देता है हृदय गति की अनियमितता को रोकने के लिए औषधियां दी जाती हैं। हृदय गति की अनियमितता को रोकने के लिए औषधियां दी जाती हैं। तो यह है रक्त प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रक्तधारण प्रक्रिया। रक्तधारण 2 स्टेप में किया जाता है, पहले तो रक्त का संग्रहण और फिर आधान। संग्रहण करने के लिए अपने 4-5 स्टेप बताए कि किस प्रकार से उस स्वस्थ व्यक्ति जिस व्यक्ति से अपन दिल ले रहे हैं जो दाता है जिसको, और यह है ग्राही। अब ग्राही को क्या होगी जिसको खून चढ़ाना है, अब खून चढ़ाने का आधान ट्रांसफ्यूजन। अब आधान से संबंधित क्या है कि आधान में आधान से पूर्व रोगी व्यक्ति के रुधिर का या ब्लड रुधिर समूह ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है कि भाई उसका ABO RH आदि इनसे संबंधित उसकी जांच की जाती है। तब जाके जिससे उसका मेल खाता है उसी ग्रुप का खून उसे रोगी व्यक्ति के चढ़ाया जाता है। दूसरा है संग्रहित रक्त को आधान से लगभग 30 मिनट पूर्व स्थित भंडार गृह जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनके उनसे केवल चढ़ाने से 30 मिनट पहले ही उसको बाहर निकाला जाए अन्यथा वो संक्रमित हो सकता है, खराबी होने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है रक्त केवल अंतःस्रावक रूप से दिया जाता है, विश्राम नल ये 2 नलियां होती हैं अपने जो दो जैसे इंजेक्शन जिसमें हाथ कई बार इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर धीरे धीरे उस निडिल के माध्यम से उसमें सिरा में उस निडिल को लगा दिया जाता है और प्रवेश नलिका के माध्यम से ये प्रक्रिया लगभग 4 घंटों तक करती रहती है। धीरे धीरे बूंद बूंद करके वो ब्लड उसमें मिलता रहता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि रोगी में जैसे आधार संबंधित प्रक्रिया है रोगी व्यक्ति जो है उसमें जैसे ब्लड चढ़ाते समय डॉक्टर उसकी ठंड है ज्वर है दर्द है या फिर उसके हृदय गति का नियमितता को रोकने के लिए उसमें वो औषधियाँ उसको देता है। तो इस प्रकार से ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर है, साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसके माध्यम से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त का आदान किया जाता है। अब ये तो है ब्लड संबंधी, अब रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानी कि कौन कौन सी सावधानियां व्यक्ति को रखनी चाहिए। रक्तदान के समय बरती जाने वाली सावधानियां कि जैसे ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खून चढ़ाया जाए तो उस समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सावधानियां थोड़ा सा देख लीजिए कि जैसे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाए उस समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रक्तदान से पूर्व ABO बोलते हैं सीधा ब्लड ग्रुप और RH का
का मिलान। सबसे पहला तो जरूरी है कि इनमें ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर का मिलान करना 100% जरूरी होता है। दूसरा है रक्त के दाता रक्त के रोगों रोगकारक और हानिकारक तत्वों का दाता के रक्त में रोगकारक तत्वों की जांच करना, जो भी उसे कोई रोग ना हो तो रोगकारक या हानिकारक तत्वों या हानिकारक तत्वों की जांच करना। सबसे पहला ये भी कारण ये दाता के खून दे रहा है उसके ही खून में यदि कोई जेनेटिक्स बीमारी कौन से संबंध बीमारी है या वो ऑलरेडी कोई बीमारी से ग्रसित है तो उसमें उन बीमारियां या हानिकारक तत्वों की पहचान करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है कि दोनों के रक्त में आरएच कारक का मिलान होना जरूरी है। दोनों के रक्त में आरएच कारक का मिलान होना जरूरी है। क्योंकि आरएच फैक्टर का भी मिलान का लेना चाहिए। दूसरा है किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषित होने से बचाना चाहिए। संग्रहित रक्त को संदूषित होने से बचाना चाहिए। जैसे कोई स्टोरेज है ब्लड बैंक में तो उस ब्लड को खराब होने से बचाना चाहिए। संग्रहण तथा आधान आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में हो। संग्रहण नेक्स्ट है संग्रहण एवं आधान डॉक्टर की उपस्थिति में ही हो। ये सावधानियां ब्लड चढ़ाते समय रखनी चाहिए कि ब्लड चढ़ाने से पूर्व रक्तदान से पूर्व एबी और आरएच फैक्टर का मिलान कर लेना चाहिए। दातक रक्त रोगकारक हानिकारक तत्वों की जांच करवा लेनी चाहिए। दूसरी बात है दोनों के रक्त आरएच फैक्टर का भी मिलान कर लेना चाहिए। संग्रहित रक्त को संदूषित होने से कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है ब्लड की विशेष खासियत ये होती है कि ब्लड बैंक में ये केवल 30 दिन तक ये रुधिर है जो संग्रहित रह पाता है, इसके बाद ये ब्लड खराब हो जाता है। तो डॉक्टरों में उसकी विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है कि ब्लड बैंक में कौन सा रक्त किस दिन में आया तो इसके ऊपर जैसे सैंपल लिया जाता है उसी दिन उसके ऊपर डेट लिख दी जाती है कि पहले जो पुराना स्टॉक होता है उसको खाली किया जाए नया रक्त उसके स्टोरेज रखे रहें। तो संग्रहण और आधान डॉक्टर की उपस्थिति में होना, ये नहीं कि अपन खून निकाल लिया किसी ने खून चढ़ा दिया। ये सारी प्रक्रियाएं साइंटिफिक प्रक्रिया है, इसमें डॉक्टर का उपस्थित करना जरूरी है। डॉक्टर की उपस्थिति में ही उसको निकालें और डॉक्टर की उपस्थिति में उसको दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाए। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन आज अपना पॉइंट खत्म है कि रक्तदान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, किस प्रकार से रक्त का संग्रहण करते हैं, किस प्रकार से चढ़ाते हैं और चढ़ाते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ये प्रश्न एक अच्छा मोस्ट प्रश्न है ब्लड से संबंधित कि प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। तो ये अपना आज का पॉइंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का खत्म है और आगे जो हम बताएंगे वो है रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व है कि रुधिर वर्ग जो है ब्लड ग्रुप है उनका जेनेटिक महत्व क्या है, आनुवंशिक महत्व उनका क्या है। इसको अपन अगली वीडियो जो अपनी अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में अपन इसको बता देंगे। ओके।